दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात मार्वल के एक सुपर हीरो से कराता हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सुपर पावर्स हैं। उस कैरेक्टर का नेम है डेडपूल। वेल, हाँ, ये एक काफ़ी फनी कैरेक्टर तो है, पर इसकी पावर बाकी के सुपर हीरो से काफ़ी अमेजिंग एंड बिल्कुल डिफरेंट है। ये अपने आप को काफ़ी जल्दी हील कर सकता है। वेल, ये अपने बॉडी ऑर्गन्स के सभी पार्ट को रिजनरेट कर सकता है। इनफैक्ट, दो टुकड़ों में कटने के बाद भी इस कैरेक्टर ने अपने आप को रिजनरेट किया था, अपनी पूरी बॉडी को दोबारा से क्रिएट किया था। हाँ, रियल वर्ल्ड में ये सुनने में काफ़ी मैजिकल लगता है, क्योंकि रियलिटी में हम ह्यूमंस के पास ऐसी एबिलिटीज़ नहीं है कि हम अपने ऑर्गन, हैंड या फिर डैमेज्ड या फिर लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर पाएँ या फिर रिजनरेट कर पाएँ। पर फिर भी रिजनरेशन का ये कंसेप्ट साइंस फिक्शनल मूवीज़ में हमको समय समय पर देखने को मिलता है, जो हमारे लिए फ्यूचर में एक होप पैदा करता है कि क्या वाकई में हम ह्यूमन अपने बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर सकते हैं। वेल, इसके लिए मैं आपकी मुलाकात घर के वॉल्स पर रहने वाली इन लिजार्ड से कराता हूँ, जो अक्सर अपनी पूंछ को काटती रहती हैं, एंड हम ये देखते हैं कि उनकी टेल दोबारा से रिजनरेट हो जाती है कुछ वीक्स के बाद। वहीं दूसरी ओर, मैं आपकी मुलाकात इन छिपकलियों की एक दूसरी प्रजाति से कराता हूँ, जिनको सेलेमेंडर्स कहा जाता है। इनके पास टेल रिजनरेशन के अलावा अपने लिम्स यानी कि हाथ को रिजनरेट करने की भी पावर होती है। मतलब अगर इनके हाथ या फिर पैर को काट दिया जाए तो कुछ हफ्तों के बाद इनके लिम्ब दोबारा से रिक्रिएट हो जाते हैं। तो मतलब अपने डैमेज्ड या फिर लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से बनाने की एबिलिटी को हम रिजनरेशन कहते हैं। दरअसल रीजनरेशन की स्टडी सबसे पहले ईयर 1740 में हुई थी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसको हाइड्रा कहा जाता है। दरअसल हाइड्रा को अगर दो हिस्सों में काट दिया जाए तो दोनों के दोनों हिस्से अपने आप को दोबारा से जनरेट करके दो फुल्ली फंक्शनल हाइड्रा में बदल जाते हैं। पर रीजनरेसी की इस डिस्कवरी को लेकर उस समय के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में एक कॉमन बिलीफ ये था कि किसी भी जीवित वस्तु की आत्मा को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो देन वो दोनों हिस्से मर जाने चाहिए। पर हाइड्रा के केस में तो ये बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। पर धीरे धीरे जब रीजनरेशन पर रिसर्च बढ़ती गई देन हमारे सामने और भी ऑर्गेनिज्म आए, जैसे कि स्टारफिश, लिजार्ड्स, क्रैब्स एंड मैनी मोर। इन ऑर्गेनिज्म की रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखकर हमारा ये बिलीफ चेंज हो गया। वेल, चलिए हम सेलेमेंडर के केस में वापस आते हैं और देखते हैं कि उसमें ये रीजनरेटिव प्रोसेस कैसे काम करती है। तो अगर सेलेमेंडर के लिम्स को काट दिया जाए तो इंसानों की तरह उसमें भी सबसे पहले ब्लड की क्लॉटिंग होगी, सबसे पहले वाउंड सील हो जाएगा एंड ब्लड रुक जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सेलेमेंडर इस बाउंड में कई सारे सेल को डेवलप करते हैं और एक सरफेस को फॉर्म करते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लास्टमा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो ब्लास्टमा क्या है? आप इसको एक बाउंड्री की तरह समझ सकते हो, जिसके अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब ब्लास्टमा के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई एंड स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जो कि नॉर्मल स्किन या फिर ब्लड सेल नहीं होते, बल्कि ये काफ़ी स्पेशल सेल्स होते हैं जो उस लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रिजनरेट करते हैं। प्लस यहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट भी होता है, तो ब्लास्टमा का इन्फॉर्मेशन रिजनरेशन के लिए सबसे एसेंशियल है। पर जब हम ह्यूमंस अपने किसी बॉडी पार्ट को लूज़ करते हैं, जैसे कि अपने हाथ या फिर पैर को लूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ब्लास्टमा का फॉर्मेशन नहीं होता। इंस्टीड हमारा वो बाउंड स्कार टिश्यू के द्वारा कवर अप हो जाता है। खैर, ह्यूमंस के केस में हम थोड़ा देर में आएंगे। तो जो स्पेशल टाइप के सेल की हम बात कर रहे थे ब्लास्टमा के अंदर, उन सेल्स को कहा जाता है स्टेम सेल। दरअसल हर एक प्रकार का रीजनरेशन पॉसिबल हो पाता है केवल स्टेम सेल की वजह से। दरअसल स्टेम सेल को आप एक रॉ मटेरियल की तरह समझ सकते हो, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब स्टेम सेल के पास पोटेंशियल होता है किसी दूसरे सेल में कन्वर्ट होने का, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के द्वारा। मतलब ये हमारी बॉडी में मौजूद डिफरेंट टाइप के सेल्स के प्रोटोटाइप है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सेल्स जो कि हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, और जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। एंड ये दोनों ही सेल एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हैं,
तो आप ये समझ सकते हो कि लीवर के जनरेशन के लिए ऐसे स्टेम सेल की जरूरत होगी जो कि हेपेटोसाइट्स में डिफरेंशिएट होने के कैपेबल हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि स्टेम सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्टिलाइज्ड एग, नाउ सेकंड है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, ये बेसिकली प्लेसेंटा एंड एम्ब्रॉय को फॉर्म करता है। इसके बाद है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये केवल एम्ब्रॉय को फॉर्म करता है। एंड देन आते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, और ये कई सारे सेल्स में डिफरेंशिएट होने के कैपेबल है, जैसे कि मसल सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, ब्लड सेल्स एंड एक्सेट्रा। तो नाउ हम सेलेमेंडर के केस में वापस आते हैं। तो वाउंड की साइड पर स्टेम सेल मल्टीप्लाई एंड ग्रो करते हैं एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं बोन, मसल एंड स्किन में। सबसे पहले ब्लास्टमा कटे हुए हाथ का एक मिनिएचर वर्जन बनाता है एंड इस ब्लास्टमा के अंदर स्टेम सेल ग्रो करते हैं जब तक कि पूरी लिम्ब ना बन जाए। एंड सेलेमेंडर ये डिटरमाइन करता है कि कितना लिम्ब उसको ग्रो करना है, किस लेंथ पर उसको रुकना है। ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए एंड और भी कई सारे फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें सेलेमेंडर के सेलुलर लेवल पर डिपेंड होती हैं, पर हम लोग इस बात के लिए सर्टेन नहीं हैं कि स्टेम सेल कहाँ से आते हैं और उनको कौन ट्रिगर करता है डिफरेंशिएट होने के लिए, और वो कौन से सिग्नल है जो ब्लास्टमा फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में सर्टेन नहीं हैं, पर चलिए हम इसी चीज़ को ह्यूमंस के केस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या किसी दिन हम ब्लास्टमा को फॉर्म कर पाएंगे? क्या किसी दिन हम अपने कटे हुए हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर पाएंगे? तो चलिए हम ह्यूमंस की रीजनरेशन पावर को जानते हैं। तो सरप्राइजिंगली ह्यूमंस के पास भी रीजनरेटिव पावर होती है, पर इस पावर के फीचर काफ़ी लिमिटेड एंड कुछ ऑर्गन्स तक ही लिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर घंटे हम अपने कई सारे स्किन सेल्स को लूज़ करते हैं, पर ये सेल कंटिन्यूसली रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स के द्वारा। इनफैक्ट लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आधे से ज़्यादा भी कट कर दिया जाए देन ये ऑर्गन दोबारा से रिजनरेट हो जाता है। इनफैक्ट हमारे लंग्स में भी कुछ हद तक रिजनरेटिव पावर होती है, और इसी कारण ये कहा जाता है कि स्मोकिंग छोड़ना हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ओवर द ईयर्स लंग अपने सरफेस सेल एंड एयर सैक्स को रीग्रो करते हैं। इनफैक्ट हमारी इंटेस्टाइन एंड बोन्स भी स्लोली ओवर द टाइम रिप्लेस होती है। इसी कारण अगर हमारी हड्डी कभी टूट जाती है, उसमें क्रैक आता है, तो डॉक्टर उसको सही पोजीशन से प्लेस करता है, देन हमारी बोन वापस से रिप्लेस हो जाती है, रीग्रो हो जाती है, वो अपने आप ही जुड़ जाती है। पर ये सारी चीज़ें हमारे लिम्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। किसी का हाथ या फिर पैर कटने के बाद वो दोबारा से रीग्रो नहीं होता, पर क्यों? तो वेल, इसका कोई सर्टेन आंसर तो नहीं है, बट कई सारी थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि रीजनरेशन के रास्ते में स्कार टिश्यूज आ जाते हैं जो कि रीजनरेशन को होने से रोकते हैं। स्कार टिश्यू क्विकली फॉर्म होते हैं, पूरे वाउंड को सील अप कर देते हैं, जिसके कारण रीजनरेशन प्रिवेंट होती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई स्मॉल कट वगैरह लगता है तो इस केस में हमारी बॉडी न्यू स्किन लेयर से रिकवर कर लेती है, बट अगर वो कट काफ़ी डीप हो देन वहाँ पर स्कार टिश्यू जनरेट होते हैं एंड वहाँ पर एक स्कार मार्क रह जाता है। नाउ एक और थ्योरी ये कहती है कि जो सेलुलर मशीनरी रीजनरेशन को ट्रिगर करती है वो लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसा प्रिटेंड होता है कि रीजनरेशन के दौरान जो सेल्स का ग्रोथ हो रहा है वो कैंसरस सेल है। इसी कारण बॉडी इस टाइप की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, क्योंकि इससे कैंसरस ट्यूमर्स भी जनरेट हो सकते हैं। इसी कारण हमारी बॉडी अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेती है कि हमारा वो कटा हुआ हाथ वैसा ही रहे, एंड हमारी बॉडी इस चीज़ से अडेप्ट हो जाती है इंस्टीट के कैंसरस सेल प्रोड्यूस हों। नाउ इसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारे पास इनफ स्टेम सेल ना हो, या फिर हमारी ये सेल अपनी नेचुरल रीग्रोथ कैपेसिटी को भूल चुके हों। एंड अगेन, जब स्टेम सेल न्यू सेल्स में पॉपअप होते हों तो यहाँ पर कैंसरस सेल के बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है, जो कि काफ़ी बुरी चीज़ है। एंड रीग्रोथ और रीजनरेशन के लिए कई सारे हाई अमाउंट ऑफ स्टेम सेल की ज़रूरत होगी, तो ऐसे में कैंसरस ट्यूमर के बनने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। दूसरा,
ज़्यादा स्टेम सेल के साथ भी हमको काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी रीजनरेशन के लिए। एंड इसके अलावा ह्यूमन बीइंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग्स हैं, सेलेमेंटर से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे में रीग्रोथ में कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीइंग हैं। वेल, ह्यूमन कुछ हद तक तो रीजनरेशन करते हैं, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द रीजनरेशन होता है हमारे पैदा होने से पहले। रिसर्च हमको ये कहती है कि एम्ब्रॉय के बनने के कुछ हफ्तों के बाद जो लिम्स बनते हैं उनमें फुल्ली रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी होती है बिना किसी स्कार टिश्यू के द्वारा। ह्यूमंस में अगर एम्ब्रॉय 8 वीक से थोड़ा सा कम हो एंड अगर वो अपने हाथ को किसी तरह लॉस्ट कर देता है, देन उसका वो लॉस्ट हाथ दोबारा से रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। बट 8 हफ्तों के बाद स्कार टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं, देन इस केस में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि स्कार टिश्यू जनरेट हो जाते हैं। तो मतलब रीजनरेटिव प्रॉपर्टी हमारे अंदर तो है पर वो केवल हमारी अर्ली स्टेजेस में होती है जब हम पैदा नहीं होते, क्योंकि हम में से हर एक ह्यूमन एक सिंगल सेल से जनरेट होता है और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग में बदल जाता है सेल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। वह रिसर्चर्स कई सारे तरीकों को ढूंढ रहे हैं जिससे कि ह्यूमंस में रीजनरेशन पॉसिबल हो पाए। हालांकि ये रिसर्च थोड़ी सी स्लो है पर हमको मेडिकल फील्ड में कई सारे होप देती है क्योंकि WHO के अनुसार बुढ़ापा एक बीमारी है एंड हमको इस बीमारी से फाइट करना है। तो इससे फाइट करने के लिए हम रिवर्स एजिंग टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं। वेल, हमारे पास कुछ टेक्निक्स तो हैं जिन पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, रिजनरेटिव मेडिसिन, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई इन बॉडी एंड मैनी मोर। बट अभी के टाइम में हम अपने लिम्स को रीग्रो नहीं कर सकते, पर आप अपने ब्रेन को ग्रो कर सकते हो ऐसी अमेजिंग साइंस वीडियोस को देखकर, जिसके लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस एंड अपडेट आपसे मिस ना हो पाएं।